और नेपाल में आए तेज भूकंप ने कई पर्वतारोहियों की जान ले ली। तो वहीं इन खबरों के बीच आईपीएस अपर्णा, जिन्होंने माउंट अकोनकागुआ की चोटी फतह की थी, वो सुरक्षित हैं। साथ ही आईपीएस सरोज कुमारी भी सकुशल बताई जा रही हैं। भूकंप के वक्त आईपीएस अपर्णा अपने साथियों के साथ थी। आईपीएस अपर्णा ने फोन पर अपने सुरक्षित लौटने की जानकारी दी। आपको बता दें कि भूकंप की वजह से पर्वतारोहियों के कई बेस कैंप तबाह हो गए हैं। भारतीय सेना ने यहाँ से 13 शव निकाले हैं, जबकि कई दल अभी भी जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। तो भूकंप से जहां पूरा नेपाल और भारत हिल गया है, तो वहीं पर्वतारोहियों की भी जान को खतरा है, लेकिन अपर्णा सुरक्षित हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने फोन कर दी है कि वो उनके साथ ही सुरक्षित हैं। फोन पर अपने सुरक्षित होने की जानकारी अपर्णा ने दी है।